सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दर्शन करने। दर्शन करने। दर्शन करिए माता के पांव छुइए। जय हो माता रानी, जय हो। एक मिनट पंडित जी, पीछे उठो, पीछे बिजरा जी, सब हो गया। अच्छे लाइट है, चंदिया जी आती। लेकिन सर अभी मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं भी बड़ा नहीं हूँ सर। तुम लोग बोले था क्या? अभी तो मैं तो शूट नहीं कर रहा सर, बड़ा रात को होता मैं। विदु क्यों तेरा भी ऐसी कैसा किताब? दिन में कुछ नहीं होता सर। रोल कॉम्पैक्ट लेना है, क्लोज लेना है? क्लोज लेना है। हां ठीक है, ओके। बाकी मैंने कॉम्पैक्ट लेना, क्लोज लेना क्या होता है? बिरजू को तेरे घर के झोपड़ी का एंड अरे छपरे है सर, उसमें भी लगाओ। लो 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 लो, ये दूसरा डीनो गया। इसने किया हां जी सी लगा डीनो। डीनो 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 टंकन दो। कब बोलोगे सर? 12 बजे फोन करो थोड़ा वो। धानी धानी उठो, धानी 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 तुम ठीक हो? I'm really sorry वो अबे सही से हराना चाहता है यार। छतरी हटाओ। प्लीज तुम्हारे सर पे हल्की सी चोट आई है, एक काम करते हैं हम हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? चलो। नहीं नहीं सबसे पहले एक मोमेंट ले रहे हैं। अरे इधर तुम्हारा ध्यान नहीं था बड़ी अच्छी कर ले। तुम्हारे सर पे चोट लगी, हल्का सा खून आ रहा है, एक काम करते हैं हॉस्पिटल चलते हैं प्लीज। हाँ नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो पानी सर पे चोट लगी, खून निकल रहा है, एक सेकंड। अरे ऐसे चिल्ला के रही है, डरा दिया हमें तुमने। ये वाली दवाई नहीं, इससे बहुत चलन होती है। धानी अगर अगर इस चोट को साफ नहीं करेंगे ये दवा लगाकर तो खून कैसे रुकेगा? प्लीज थोड़ा सा। नहीं नहीं बहुत बहुत चलन होती है सब। थोड़ी सी जलन बर्दाश्त कर लेना हमारे लिए, बस वो थोड़ी सी जलन बर्दाश्त कर लेना। चोट सही करने के लिए दवा तो लगानी पड़ेगी ना। Yeah.
आए तो एक घंटे हुआ डिग्री आपको आपने भी देखा कहाँ अटक गए भाई हम लोग बोलो चलो आ जाओ सुनो ना सर वो रोलिंग एक स्टॉल इसी अभी आवाज रखो अपने सर रोलिंग रोलिंग निकलने से लो बंद ये ले यार वो दे दिया उधर अरे यही लेता अच्छा ये धानी लास्ट मशीन दिखा दे कहाँ पे टेम्पो में लोड कर दिया होगा ठीक है हाँ ये पीछे लो थोड़ा सा गेटवे टॉप वाला हाँ ये उधर वाला और थोड़ा 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 दीपो रेडी ऑर्डर फिल्म है तब कॉर्नर आ रहा है उधर वाला आज के सीन के बारे में बहुत सारे सीन शूट कर रहे हैं आज हम तो किस सीन के बारे में बताऊँ स्पेसिफिकली जो मैं आज गाड़ी में गाड़ी में हाय आ जाइए जॉइन अस जॉइन अस गरम आ जाओ हाय हाय आज के सीन के बारे में बात कर रहे हैं हम अच्छा जहाँ पे ये बहुत रैश ड्राइविंग करके मेरे सर पे चोट जो लगा किसी को नहीं करनी चाहिए जो किसी को नहीं करनी चाहिए सीट बेल्ट पहने रहना चाहिए हालांकि मैंने भी सीट बेल्ट पहना था पर चोट लग जाता है कभी कभी बट स्टिल रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जो कि ध्रुव कर रहा है और ऑब्वियसली उसे इस बात का गिल्ट होता है बाद में क्योंकि धानी को चोट लग गई है और वो खुद उस चोट की मरम पट्टी भी करता है बिल्कुल तो क्योंकि कौन से मंदिर जा रहे हैं मंदिर में क्या होने वाला है पुनः गोद में उठा के लेके जाने वाले हैं हाँ कुलदेवी मंदिर लेके जा रहे हैं जहाँ पर धानी को दर्शन करना है ध्रुव को दर्शन डेफिनेटली नहीं करना चाहता वो और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इसके पाँव में चोट लगती है और ये सीढ़ियाँ जो है वो
क्लाइंब नहीं कर पाती, चढ़ नहीं पाती है, तो अब रास्ता कुछ बचा नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है कि अब इसको उठा के लेके जाए कोई। और हमारे शो का मेन मोटो हमेशा यही रहा है कि सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है। हम कितना भी कोई चीज़ अवॉइड करना चाहे या ना करना चाहे, होता वही है जो लिखा गया है। तो आई थिंक ध्रुव दर्शन कर पाएगा। हाँ, ध्रुव चाहता तो नहीं है दर्शन करना धानी के साथ, लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा। हाँ एग्जैक्टली। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और पहला सीरियल है जो यूट्यूब पे एपिसोड की टेलीकास्ट हो रहा है। Yes. तो इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दिन भर गर्मी में आप लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे? क्या होता है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे रात की शिफ्ट कर रहे हैं या सुबह 7 बजे की शिफ्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती। जब आपको पता चलता है कि आपके शो को प्यार दिया जा रहा है, आपका शो अच्छा कर रहा है, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं हमें कि हम सेट पे आ रहे हैं, 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती फिर उसके बाद। और हमें ये तो पता था कि इंडिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन जब से यूट्यूब पर हमने एपिसोड्स डालना स्टार्ट किया, हमारे सारे इंटरनेशनल फैंस भी देख पा रहे हैं शो। सो आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज़ है ये कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच पा रहे हैं, और सबको अपना शो अच्छा भी लग रहा है। सो आई थिंक वेरी एक्साइटेड। हमें ये मेहनत पता नहीं चलती जब हमें इस बात का एहसास होता है कि लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। बंबल टीवी को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अभी डायमंड बटन भी मिला है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस के लिए। ओह वाओ अमेजिंग। ये चीज हमें अब पता चल रही है क्योंकि हमने देखे नहीं है, मौका नहीं मिलता है। वो होता है कि हम सुबह निकलते 7 बजे घर से, रात को पहुँचते हैं तकरीबन 10-10:30-11 बज जाता है घर पहुंचते, और हमारा लोकेशन काफी दूर है जहां हम रहते हैं वहां से, तो मौका मिलता नहीं है हमें देखने का कि आप देख पाएं कि क्या रिव्यूज मिल रहे हैं क्या। बट जैसे आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुनकर कि डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमें संतुष्टि मिलती है। आपको बोलते हैं कि आपकी रूह खुश हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है हमें। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि दंगल एज अ चैनल इज आल्सो ग्रोइंग। आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक वी वो होपिंग फॉर। हमारी यही उम्मीद थी कि जैसे जिस परफेक्शन के साथ दंगल काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह, आई थिंक ये होना ही था। लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट, और बड़े अग्रेसिवली दंगल इज़ क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस अचीवमेंट ऑन यूट्यूब। या ये इतनी अच्छी खबर, आप हमें बताएंगे राइट आफ्टर द इंटरव्यू, आप मुझे दिखाएंगे। ओके। और उससे बड़ी बात, मतलब इतनी अच्छी चीजें सुनने के बाद अभी ऐसा हो गया कि जो हमारी एनर्जी लाइक 0.1% कम हुई थी, इतनी लाइक पानी ग्लूकोन डी अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो मतलब आप देखो भागने लगे हम, ट्रिपल एनर्जी, मतलब अब तो देखो अच्छा लगता है। आई मीन जब सब चीजें अच्छी चल रही हो, फीडबैक अच्छा आ रहा हो, स्टोरी अच्छी चल रही हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आई थिंक इंडस्ट्री में हर कहीं ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं स्टोरीज को लेकर कि यार आई थिंक सो इसमें ये चेंजेस होने चाहिए थे, वो चेंजेस होने चाहिए थे। हमारे शो में ऐसा होता है कि हम डिस्कस करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं, साथ हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे का काम करते हैं, और जब हमें ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो हमें ऐसे अच्छा लगता है कि यार हाँ मेहनत रंग ला रही है। बहुत भारी है, बहुत भारी है, नहीं बिल्कुल भारी नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो ले लो खाली, फोटो ले लो, मैं दिखाता शूट कर रहा है कि भागना तो नहीं, इधर भागना दे तो सही। ना दे हां रहेगा सिर्फ, तो मतलब कॉपीराइट आएगा। क्या हो जाएगा चलो भाई, लोगों को
ऑलरेडी मार्क्स पे रोलिंग एंड दानिया एक्शन सर एक सेकंड सॉरी सॉरी सर लेफ्ट लेफ्ट थर्मोकोल फील्ड में अरे धीरे से बोलो ना बहुत ज्यादा बार हो गया सर कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने दर्शन करने दर्शन करिए माता के पहुँच भी जय हो माता रानी जय हो चलिए सर ऐसी तरह वाह वाह